देख रहे हैं डीएनएक्स टीवी। मैं हूं निशा। बात करेंगे बड़ी खबर में, कौन सी खबर रही सुर्खियों में। छत्तीसगढ़ में मिले 12 नए कोरोना मरीज, स्वास्थ्य विभाग ने की पुष्टि। एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 298। कोरोना वायरस को लेकर छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर सामने आई है। मिली जानकारी के मुताबिक आज 12 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज की पहचान की गई, जिसमें जिला मुंगेली से 9, बिलासपुर से 2 व कांकेर से 1 मरीज शामिल है। आपको बता दें कि अब राज्य में एक्टिव मरीजों की कुल संख्या 298 हो गई है। छत्तीसगढ़ के 14 डिप्टी कलेक्टरों का हुआ तबादला, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने 14 डिप्टी कलेक्टरों के स्थानांतरण की सूची जारी कर दी है। यह आदेश आज से प्रभावशील है और आगामी आदेश तक जारी रहेगा। बीते बुधवार को प्रदेश के कई कलेक्टरों का स्थानांतरण आदेश जारी किया गया था। आज जारी इस सूची में सभी 14 डिप्टी कलेक्टर हैं और सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी के तौर पर स्थानांतरित किए गए हैं। नहीं मिल रहा कोरोना सुरक्षा किट और समय पर वेतन, नाराज 15 जूनियर डॉक्टरों ने दिया इस्तीफा। रायपुर डीकेएस के 15 जूनियर डॉक्टरों ने कल इस्तीफा दे दिया। डॉक्टरों ने इसकी वजह कोरोना वायरस से जंग में सुरक्षा किट के अभाव में काम करना और समय पर वेतन नहीं मिलना बताया है। जूनियर डॉक्टरों ने बताया कि कोरोना वायरस से बचने के लिए कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। वहीं डॉक्टरों के इस्तीफे देने की लाइन लगी हुई है। आज एक दर्जन से ज़्यादा जूनियर डॉक्टर फिर रिजाइन देने की तैयारी में है। आपको बता दें कि कल 15 जूनियर डॉक्टरों ने इस्तीफा दिया था। वहीं बताया जा रहा है कि रायपुर मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर भी इस मामले में इस्तीफा दे सकते हैं। रायपुर में अनोखा प्रयोग, ट्रेन कोच को रोबोट करेंगे सैनिटाइज। 2 महीने के लंबे लॉकडाउन के बाद रेलवे ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के साथ रेल परिचालन शुरू किया। इस दौरान रेलवे के सामने सबसे बड़ी चुनौती यात्रियों को स्वच्छ और संक्रमण मुक्त माहौल के साथ उनके गंतव्य तक पहुंचाने की थी। रेलवे अभी भी इस चुनौती से निपट रहा है। इसी बीच राजधानी व अन्य ट्रेनों का भी सामित परिचालन शुरू हुआ है। अब रेलवे सभी रूटों पर सीमित यात्री ट्रेनों का नियमित परिचालन शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इसी बीच रायपुर रेल मंडल में एक नया प्रयोग शुरू किया जा रहा है। अब यहाँ यात्री ट्रेनों के कोच के सैनिटाइजेशन का काम रोबोट की मदद से किया जाएगा। देश में 24 घंटे में मिले कोरोना के 6,566 नए मरीज, 194 लोगों की मौत। देश में पिछले 24 घंटों में 6,566 नए कोरोना मरीज मिले हैं और इसके साथ कुल संक्रमितों की संख्या 158,333 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटों में 3,266 लोग रिकवर हुए हैं और इसके साथ कोरोना से मुक्त होने वालों की संख्या 67,692 हो गई है। इस दौरान 194 लोगों की मौत हो गई है और मृतकों की संख्या बढ़कर 4,337 हो गई है। राहुल, प्रियंका, सोनिया का मोदी पर ट्रिपल अटैक। लॉकडाउन को लेकर कांग्रेस की ओर से पीएम मोदी और सरकार पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को मोदी सरकार पर ट्रिपल अटैक किया। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर पार्टी के स्पीक अप इंडिया अभियान की शुरुआत करते हुए मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। सोनिया ने कहा कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण गरीबों का बुरा हाल है, लेकिन सरकार उन पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। पुलवामा IED हमले पर बोली जम्मू कश्मीर पुलिस, 40 किलो का था विस्फोटक और निशाने पर थे सुरक्षा बल। सुरक्षा बलों ने पुलवामा में एक बड़े आतंकी हमले की साजिश को नाकाम कर दिया। जिले के राजपुरा इलाके में एक सेंट्रो कार से IED बरामद हुई है। आतंकियों ने एक बार फिर हमले को अंजाम देने के लिए कार का इस्तेमाल किया था। साल 2019 में पुलवामा के CRPF के काफिले को निशाना बनाकर जो आतंकी हमला किया गया था, उसमें भी आतंकियों ने कार के इसी तरह इस्तेमाल किया था। धर्मेंद्र ने शेयर किया टिड्डों का वीडियो, बोले जब मैं 10वीं क्लास में था तब आए थे। धर्मेंद्र ने टिड्डियों का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है, सावधान रहिएगा, हम इस मुसीबत को झेल चुके हैं। उस समय जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था, सभी छात्रों को इन्हें मारने के लिए बुलाया गया था। प्लीज ध्यान रखिएगा,
इस तरह धर्मेंद्र ने अपने फैंस को टिड्डियों से सावधान रहने की सलाह दी है। एमएस धोनी के रिटायरमेंट की उड़ी अफवाह, तो पत्नी साक्षी ने गुस्से में कर दिया ट्वीट। एमएस धोनी के रिटायरमेंट की अफवाह उड़ाने वालों पर बरसते हुए साक्षी धोनी ने पहले तो ट्वीट कर दिया, लेकिन फिर उस ट्वीट को डिलीट भी कर दिया। लेकिन अब उस ट्वीट का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। साक्षी ने अपने ट्वीट में लिखा था, ये सिर्फ अफवाह है। मैं समझ सकती हूँ कि लॉकडाउन ने लोगों की मानसिक स्थिति को असंतुलित बना दिया है। आज की बड़ी खबरों में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे आने वाली वीडियो की अगली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करिए। अगर आपके घर पे 3 दरवाजे एक सीध में आ गए हो और आपको लगता है कि यह वास्तु का एक दोष है, तो अगर आप उसको 3 दरवाजे को आप हटा नहीं पा रहे हैं, तो एक टिप्स मैं आपको देता हूँ। उस टिप्स के माध्यम से आप 3 दरवाजों के दोष का निराकरण स्वयं कर सकते हैं। आप चाहें तो बीच वाले दरवाजे पे विंड चाइम, वो सूर्य लहरी को आप लगा सकते हैं, जो आपने देखा होगा। उस सूर्य लहरी के प्रयोग से आप वो जो एक ऊर्जा एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे की ओर वापस चली जाती है, उसको आप ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। या आप एक पर्दे बीच पे लगा दें, जिससे ऊर्जा का प्रवाह कमरे के अंदर ही होगा और ऊर्जा एक स्थान से निकल के दूसरे स्थान पे वापस नहीं जाएगी। तो अगर आप इस दोष से पीड़ित हैं, तो इस उपचार को अवश्य करें।